नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। भारत और चीन के बीच आठवें दौर की कमांडर लेवल की बातचीत आज चुशूल में होने जा रही है। भारत इस बातचीत में दबाव डालेगा कि चीनी सैनिक पूर्वी लद्दाख पर LAC से अपने सैनिकों को हटाएं। भारत की तरफ से इस बातचीत का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल PKG मेनन करेंगे। इसके अलावा विदेश मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव भी रहेंगे। ये बातचीत थोड़ी देर में चुशूल में शुरू होगी। इससे पहले सातवें दौर की कमांडर लेवल की बातचीत 12 अक्टूबर को हुई थी। इसमें टकराव के पॉइंट्स पर सैनिकों के पीछे हटने को लेकर बातचीत हुई, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। जानकारी के मुताबिक चीन ने LAC पर 50,000 सैनिकों का जमावड़ा कर रखा है। भारत ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है और जवान मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। अब सर्दियां बढ़ने वाली हैं, इन हालातों में पूर्वी लद्दाख के इलाकों में रहना मुश्किल हो जाता है। और जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना की बड़ी कार्रवाई चल रही है। पूरी खबर एक ब्रेक के बाद।